लाखों लोगों के चहेते टीवी शो अनुपमा में इन दिनों टीवी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा और अश्लेषा सावंत अपनी अपनी नेगेटिव भूमिका में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देती हुई अपने फैंस का दिल इस कदर जीत रही हैं कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काव्या बनी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा और बरखा बनी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत में से कौन बेस्ट है, जिसे फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए आज की इस वीडियो में एक्ट्रेस मदालसा शर्मा और अश्लेषा सावंत के बीच कंपेरिजन करके जानते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करें शो में काव्या शाह की नकारात्मक भूमिका निभा रही एक्ट्रेस मदालसा शर्मा की, तो वो अपने इस किरदार में पूरी तरह से ढल चुकी हैं, जिसके चलते काव्या के रूप में इन्होंने अपने ससुराल शाह परिवार का जीना हराम कर दिया है और अपनी अलग अलग चालें चलकर ये सभी को परेशान कर रही हैं। नहीं नहीं, इन्होंने घर वालों के बीच फूट डालने की भी कोशिश की है। इस तरह से इनके इसी निगेटिव रोल से इम्प्रेस हुए फैंस इनकी इतनी सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने इन्हें अपने दिल में बसा लिया है, जिनकी जुबान पर सिर्फ एक्ट्रेस मदालसा शर्मा का ही नाम है। वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत की, तो ये बरखा के किरदार में कपाड़िया हाउस में आई हैं और अपने इस किरदार में पूरी तरह से ढल जाने के चलते ये कपाड़िया परिवार की ऐसी दुश्मन बन गई हैं कि उनसे ये सब कुछ छीनना चाहती हैं और अपना हुक्म सभी पर चलाती हैं, जिस वजह से इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। तो इस तरह से काफी कम समय में आकर इन्होंने अपने फैंस को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट किया है कि लोग अपने आप ही इनके दीवाने हो गए और इन्हीं का नाम जप रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि काव्या और बरखा यानी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा और अश्लेषा सावंत में से कौन बेस्ट है, तो वो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मदालसा शर्मा है, क्योंकि लोग इन पर शुरू से मरते हैं, जिन्होंने इन्हें इतने अच्छे से जान लिया है कि जब भी अपने कोई नई चाल चलने जाती हैं तो फैंस को पहले ही पता चल जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि फैंस इनके दीवाने ज्यादा हैं एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत के मुकाबले। वेल दोस्तों, आपके लिए एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और मदालसा शर्मा में से कौन बेस्ट है, आप हमें किसी एक का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।